और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां और बीजेपी की नीतियों को देखोगे, तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं, त्याग कर कर करके और सब कुछ छोड़ कर करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सड़कों का मामला हो तो गठबंधन ने कितनी सड़कें बनाई हैं। मुझे याद है एक बार तहसील में मिलने देवबंद में मैं आया था किसी से, वो कैसी सड़क थी याद कीजिए उस समय पर। अगर मुजफ्फरनगर से आना है, सहारनपुर के से आना है तो कब पहुंचते थे पता ही नहीं था, लेकिन बताओ इतना ऊंचा फ्लाईओवर बन गया, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो यहां से वहां, वहां से यहां, ये बताओ जरा। अगर बिजली की समस्या रही होगी तो बिजली की भी समस्या का समाधान किया है, लैपटॉप बांटना पड़ा हुआ लैपटॉप भी बांट दिया। अगर पेंशन देनी पड़ी होगी और वो भी करके दिखा दिया। हम तो कहना चाहते हैं जो बिजली के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों सरकारें मिला लें, दोनों में जितना बिजली का काम हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार में काम नहीं किया है, नहीं किया है। और हम तो कहते हैं कि इस गठबंधन ने तो बिजली बनाई है। हमें बताएं कि अगर एक भी मेगावाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली बनी हो तो बता दें, एक मेगावाट बिजली नहीं बनी और दावा करते हैं हजारों गांव में बिजली पहुंच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव महापरिवर्तन का भी है और दिल्ली के करीब अगर पहुंचाएगा तो दिल्ली के करीब रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और आज जब नवरात्र के व्रत हैं, हमने तो संकल्प ले लिया कि मन से कभी बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के, बिजनौर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं मलूक नागर जी, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना। फजल रहमान साहब हैं सहारनपुर से, तबस्सुम हसनपुरा दोबारा लड़ रही हैं कैराना से, आदरणीय अजीत सिंह जी हैं मुजफ्फरनगर से, हमारे नौजवान साथी जयंत चौधरी हैं बागपत से। हम आपसे निवेदन करते हैं ये सबके सब प्रत्याशी जीते हैं, सबके सब प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं, ये हमारा और आपका वोट मिलकर के सबका सहयोग जब मिल जाएगा तो अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हम आपसे चल करके आए और धन्यवाद भी देना चाहते हैं यहां की जनता का कि जिस समय न जाने क्या क्या बातें हो रही थी लोकसभा केदारनाथ में, यहां की जनता ने सब कुछ भुला करके